और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के अररिया में दिन दहाड़े मर्डर, पत्रकार विमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर पत्रकार को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि दरअसल 2 साल पहले भाई की हत्या के गवाह थे और बेखौफ बदमाशों ने विमल को धमकाया था। बिहार में लगातार मर्डर पर अब सियासत शुरू। इससे पहले आपको याद है समस्तीपुर में दारोगा की हत्या हो गई थी। सवाल नीतीश कुमार के सुशासन पर है, आखिर ये कौन सा सुशासन जहां पर वर्दी वालों का खौफ नहीं रह गया है, बदमाश बेखौफ हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से हत्याओं का सिलसिला सा चल पड़ा है। की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। थानेदार की भी हत्या, अपराधी गौ तस्कर कर रहे हैं, अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में, और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। अपराधी घटना बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी, पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनकी और बिहार की कानून व्यवस्था का विश्लेषण हो जाए, जैसे वो किस राज्य में ज़्यादा हुए, ये सब चुनावी साजिश है, अपनी संभावित पराजय को देखते हुए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में लगे। सोचिए जरा, किसी की हत्या हो जाती है और जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे अपराध को लेकर। बिहार पुलिस का इस बीच दावा यह कि आपराधिक घटनाओं पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, इस घटना में भी जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है, ये सारे प्रमाण है कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं, इस मामले में भी हम वैसा ही करेंगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं हमारे सहयोगी शशांक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, चुनाव की तैयारियों में इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। दारोगा की हत्या, पत्रकार की हत्या, आखिर हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव पर ध्यान देने के बजाय बिहार पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हत्याओं का दौर जारी है, पुलिस वाले के बाद अब पत्रकार की हत्या हो गई। 12 घंटे हो गए इस घटना को, लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, पुलिस के हाथ खाली हैं। घर में घुसकर पत्रकार की हत्या की गई है। जो परिजनों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि 2 साल पहले भाई की हत्या हुई थी, उसमें ये इकलौते मुख्य गवाह थे, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। वहीं अभी अररिया के SP अशोक सिंह से हमने बातचीत किया तो वो कह रहे हैं कि जो अब तक की जाँच हुई है उसमें प्रथम यही लग रहा है कि आपसी रंजिश में जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन परिजन ये भी कह रहे थे कि वो मुख्य गवाह थे, तो उस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं, जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन अपराधी बिहार में पूरी तरह से बेखौफ हैं, स्थिति ये है कि अब आम लोग भी घर से निकलने में डर रहे हैं। जी आप कह रहे हैं कि आम लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, इस वाले मामले में तो घर में घुसकर हत्या कर दी गई, तो कहां कौन सुरक्षित है बिहार में, घर के अंदर अगर हत्या हो जाएगी? जी बिल्कुल, लोग घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, गेट नॉक करके बाहर बुलाया गया और फिल्मी स्टाइल में बाहर आते ही सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, स्पॉट पे ही उनकी मौत हो गई। तो घर में भी जो लोग हैं अब बिहार में सुरक्षित नहीं है, जो तथाकथित सुशासन की सरकार है लगातार सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ नीतीश दिल्ली दौरे पर है, 24 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, जरूरत यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए। जी इस पर किसी तरह का कोई बयान आया है, अगर प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, क्योंकि समस्तीपुर वाले मामले में तो हमने देखा SP साहब बेशर्मी से कह रहे थे कि 10 दिन में हम पकड़ लेंगे अपराधियों को, अब तक तो पकड़े नहीं गए, इस मामले में क्या हुआ? देखिए समस्तीपुर में 15 अगस्त की सुबह एक
दरोगा की हत्या हुई थी उसमें भी अब तक पुलिस को कोई सफलता मिली नहीं है। एक संदिग्ध को उठाया गया था, पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुख्य जो 4-5 तस्कर थे जिन्होंने गोली चलाई थी वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और इस घटना को 12 घंटे हो गए हैं, अभी भी जो है अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। 2 बाइक पर 4 अपराधी आए थे जिन्होंने दनादन फायरिंग की घर में घुस के, लेकिन वो फरार हो गए हैं। उनकी छापेमारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन गिरफ्तार अब तक किसी को भी पुलिस पत्रकार हत्याकांड में नहीं कर पाई है। चलिए शशांक, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।